नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। मैं हमेशा ही आप सभी के साथ वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपना अनुभव भी शेयर करता रहता हूँ। आज का जो विषय है वो है कोचिंग सेंटर। आप सभी अपना कीमती समय निकालकर मेरी वीडियो देखते हैं, उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप बिग सिटी में यानी बड़े शहर में अपना कोचिंग सेंटर खोलने जा रहे हैं और आपके पास अपना एक प्लॉट है, तो उस प्लॉट के अंदर आपने कोचिंग सेंटर का सेटअप कैसे करना है। सबसे पहले तो कोचिंग सेंटर खोलने के लिए पार्किंग की स्पेस चाहिए। उसके लिए आपको करना क्या है, आपने ग्राउंड फ्लोर पर स्टिल्ट पार्किंग बनानी है। उसमें आपने जो अपना मेन गेट रखना है, मेन गेट एक नॉर्थ ईस्ट में आएगा, दूसरा ईस्ट प्लस नॉर्थ ईस्ट के भाग में आएगा। साउथ ईस्ट के भाग में यहाँ पर आपने अपनी स्टेयर्स बनानी है और स्टेयर्स जो बनाए वो आपकी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। स्टेयर्स के साथ आपने अपनी लिफ्ट लगानी है, तो लिफ्ट आपने यहाँ पर आपकी लिफ्ट लग जाएगी और यहाँ पर आपकी अपनी स्टेयर्स हो जाएगी। स्टेयर्स का जो पहला स्टेप है वो आपका यहाँ से शुरू होगा। आपने अपने यहाँ पर लिफ्ट के साथ में गार्ड रूम बनाना है। आपने अपने यहाँ पर लिफ्ट के बैक साइड में इलेक्ट्रिक मीटर और पैनल इन्वर्टर जो लगाना है वो आपके लिफ्ट के बैक साइड में साउथ साउथ ईस्ट के भाग में आ जाएंगे। आपने अपने यहाँ पर जनरेटर रखना है, तो जनरेटर भी आपका साउथ जोन में इसी भाग में नीचे पार्किंग वाले एरिया में आ जाएगा। बाकी का जितना एरिया ये आपके अपना पार्किंग बनेगा। अब मैं आपको बताना चाहूँगा आपने फर्स्ट फ्लोर पर सेटअप कैसे करना है। स्टेयर से ऊपर आने के बाद या लिफ्ट से आप बाहर निकलते हैं, वो यहाँ पर कॉरिडोर में इस हिस्से में आप बाहर रहेंगे। आपने अपने यहाँ पर जो क्लासरूम बनाने हैं, पहला क्लासरूम आपका साउथ वेस्ट के भाग में यहाँ पर बनेगा, दूसरा क्लासरूम आपने नॉर्थ वेस्ट के भाग में यहाँ पर बनाना है, तीसरा क्लासरूम आपका नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट के भाग में आएगा, चौथा क्लासरूम आपका नॉर्थ में आ जाएगा और पाँचवा क्लासरूम आपका नॉर्थ ईस्ट के भाग में। इस प्रकार ये आपके पाँच क्लासरूम बन जाएंगे। आपके पास स्पेस कम है तो आप चार क्लासरूम बना सकते हैं, स्पेस ज़्यादा है तो छः क्लासरूम बना सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा आपने अपनी टॉयलेट वेस्ट के भाग में बनानी है। एक टॉयलेट आपकी मेल हो जाएगी, एक टॉयलेट आपकी फीमेल हो जाएगी। इनके बैक साइड में यहाँ पर आपकी अपनी शाफ्ट आ जाएगी। क्लासरूम का जो गेट लगाना है, फर्स्ट क्लासरूम का गेट आपका रूम के नॉर्थ ईस्ट के भाग में यहाँ पर डोर आएगा, सेकंड रूम का डोर साउथ ईस्ट के भाग में साउथ वॉल पर यहाँ आएगा, थर्ड क्लासरूम का साउथ ईस्ट के भाग में यहाँ पर डोर आएगा, फोर्थ रूम में जो डोर लेना है वो आपने साउथ ईस्ट के भाग में लेना है और जो अपना फिफ्थ रूम है इसका डोर आपने साउथ वेस्ट के भाग में यहाँ लेना है। इसी के साथ आपको एक बात और ध्यान रखनी है, ये रूम आपका नॉर्थ ईस्ट का है और इसका जो डोर है साउथ वेस्ट में बनता है। आप अपने यहाँ पर साउथ सेंटर से यानी रूम के साउथ साइड से डोर लेते हैं तो ये और भी अच्छी बात है। आप अपना डोर साउथ सेंटर में ही बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, इस डोर को आप यहाँ पर ना बनाएं। इसी के साथ अगर पॉसिबल हो तो एक डोर आप इस रूम का नॉर्थ ईस्ट के भाग में यहाँ पर जरूर बनाए। आपने अपने यहाँ फिफ्थ रूम में नॉर्थ ईस्ट के भाग में डोर जरूर लगाना है, क्योंकि आपके अपर ग्राउंड पर यहाँ पर ये आपकी अपनी बालकनी बनेगी। बालकनी में आने के लिए एक डोर आपने ईस्ट सेंटर में भी लगाना है। पीने का पानी आपने ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के भाग में यहाँ पर आपने पीने का पानी रखना है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, आपके जितने भी क्लासरूम हैं हर क्लासरूम के अंदर जो बोर्ड लगाने हैं वो बोर्ड आपने ईस्ट वॉल पर, हर रूम के ईस्ट वॉल पर बोर्ड लगाने हैं। बच्चों का फेस पढ़ते हुए ईस्ट की ओर होना चाहिए और टीचर का फेस पढ़ाते हुए वेस्ट की ओर होना चाहिए। आपके यहाँ स्मार्ट क्लास है तो उसमें आपने ध्यान रखना है जो आपके प्रोजेक्टर की स्क्रीन आएगी वो भी आपकी अपनी ईस्ट वॉल पर आएगी। रूम नंबर 4 में जो आपका बोर्ड लगेगा या स्क्रीन लगेगी वो ईस्ट वॉल पर आएगी। ऐसे ही आपके इस रूम में भी ईस्ट वॉल पर आएगी और जो हमारा रूम नंबर 2 है इसमें भी ईस्ट वॉल पर आएगी और ऐसे ही जो रूम नंबर हमारा
वन है, एक है, इसमें भी इस टूल पर स्क्रीन या बोर्ड आएगा। अब मैं आपको बताना चाहूँगा ऑनर की सीटिंग कहाँ बनानी है। ऑनर की सीटिंग साउथ साउथ वेस्ट के भाग में, यहाँ पर ऑनर की सीटिंग बनानी है, यहाँ पर आपने अपना डोर लगाना है। ऑनर की जो टेबल आएगी ये ऑनर की टेबल आ जाएगी, यहाँ पर ऑनर बैठेगा, ऑनर के सामने विजिटर, यहाँ पर विजिटर बैठेगा और यहाँ पर आपका अपना सोफा आ जाएगा। काउंसलिंग के लिए जो रूम बनाना है वो रूम आपका यहाँ पर बनेगा, ये आपका डोर आएगा और ये अपनी टेबल आएगी, यहाँ पर काउंसलिंग के लिए आपका स्टाफ आ जाएगा और यहाँ पर पेरेंट्स और जो स्टूडेंट्स आएंगे वो बैठ जाएंगे। इसी के साथ आपने अपने इस रूम में सोफ़ा लगाना है तो वो सोफ़ा भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। आपने अपने यहाँ पर दूसरा काउंसलिंग रूम बनाना है तो वो रूम आपने यहाँ पर बनाना है, क्योंकि जब बच्चों का एडमिशन का टाइम होता है उस समय बच्चे बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए काउंसलिंग रूम एक तो ये बन जाता है और दूसरा काउंसलिंग रूम जो बनाना है वो आपका यहाँ बनेगा। इसमें जो डोर रखना है वो आपने यहाँ पर रखना है, ये आपका अपना स्टाफ आ जाएगा, ये पेरेंट्स और स्टूडेंट जो आएगा वो बैठ जाएगा और यहाँ पर भी आपने एक अपना सोफ़ा लगाना है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा फी काउंटर आपने कहाँ बनाना है। फी काउंटर आपने यहाँ पर, ये आपका अपना फी काउंटर आएगा, यहाँ पर आपका अपना स्टाफ बैठ जाएगा, ये आपका अपना फी काउंटर बन जाएगा और इस रूम में आने के लिए जो डोर बनाना है वो डोर ये बनेगा। यहाँ पर आपने अपने अकाउंट्स के लिए जो स्टाफ बिठाना है वो स्टाफ आपका यहाँ पर आ जाएंगे। उनके लिए जो फाइल रैक बनाना है वो फाइल रैक साउथ वॉल पर बनानी है। यहाँ पर आपका अकाउंट्स के जो मेंबर है उनसे डिस्कस करनी है तो वो व्यक्ति यहाँ पर आकर बैठ सकता है। आपने अपने यहाँ पर रिसेप्शन कहाँ बनानी है, यहाँ पर आपके अपने रिसेप्शन बन जाएगी और यहाँ पर मिलने वाला व्यक्ति बैठ जाएगा। आपने अपने यहाँ पर जो डोर बनाना है वो डोर आपका यहाँ पर आ जाएगा। इस प्रकार आप अपने यहाँ पर कोचिंग सेंटर का सेटअप कर सकते हैं। आपने अपने यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर बनाना है तो वो आपके इसी प्रकार से बन जाएंगे। जो आपके अपने ऑफिस ब्लॉक है, ऑफिस ब्लॉक के ऊपर आपके क्लासरूम आ जाएंगे और क्लासरूम के जो डोर रखने हैं, जो रूम नंबर 3 और रूम नंबर 4 के जो डोर हैं, इन डोर्स के बिल्कुल ठीक सामने आपने डोर लगाने हैं और ऐसे ही उनमें भी जो बोर्ड लगाने हैं वो आपने ईस्ट वॉल पर ही लगाने हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे ऊपर छत के ऊपर टेरिस के ऊपर जो आपने पानी का टैंक रखना है वो पानी का टैंक आपने वेस्ट में टॉयलेट्स के ऊपर रखना है। और इसी के साथ आपने जो क्लासरूम 1 है यानी साउथ वेस्ट में जो रूम बना हुआ है आपने छत के ऊपर एक रूम और बनाना है। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, आपने जो ध्यान रखना है जो आपकी अपनी टेरेस बनेगी, टेरेस में जो ढलान बनानी है, जो स्लोप बनाना है वो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर बनाना है और ऐसे ही आपके जितने भी फ्लोर बनेंगे उनके जो फर्श की ढलान है, जो स्लोप है, वो भी साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर ही करनी है। आपने अपने यहाँ पर पानी का अंडरग्राउंड टैंक और समरसिबल की व्यवस्था करनी है तो वो आपने नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के भाग में करनी है, यानी ग्राउंड फ्लोर पर यहाँ पर आपकी बोरिंग और ये पानी का अंडरग्राउंड टैंक बन जाएगा। आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जब आप अपनी बिल्डिंग बनाएं तो बिल्डिंग बनाते हुए आपने नीचे बेसमेंट नहीं बनानी है। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, हमारे पिताजी द्वारा लिखी हुई बुक लक्ष्मी प्रवेश कैसे हो में वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की भी जानकारी दी हुई है। हमारे पिताजी ने इस बुक को छपवाकर समाज में बांटा और लोगों ने इस बुक को पढ़ा, समझा और खूब लाभ उठाया। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन
ज़रूर दबाएं ताकि मेरे आने वाली जितनी भी नई वीडियो है वो वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।